नमस्ते मित्रों, ट्रिगर फिंगर क्या है या ट्रिगर थंब क्या है? बहुत ही पेशेंट जो होते हैं जो हमको आके पूछते हैं कि ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब ये क्या बीमारी है डॉक्टर साहब, और ये हमें क्यों हो जाती है? तो हम शुरू करेंगे। तो ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर जो होता है वो पिस्टल का या तो बंदूक का जो ट्रिगर होता है उसको बोलते हैं, और ये ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब एक इस तरह की बीमारी होती है जिसमें आपकी जो उंगली या तो अंगूठे का जो बेस होता है वहाँ पे एक A1 पुली नाम का स्ट्रक्चर होता है, और जो आपकी टेंडन होती है जो आपके हाथ को अंदर की तरफ मोड़ती है वो उसके अंदर से पास होती है। तो इस तरह का आपका टेंडन होता है और उसके यहाँ पे एक पुली होता है जो मोटा हो जाता है, वो टाइट हो जाता है, स्टिनोज हो जाता है, और आपकी जो अंगूठी उंगली होती है वो फंस जाती है। तो इस तरह से टाइट हो जाएगी, फिर आप टक करने की जब कोशिश करोगे तो वो जो उंगली है वो टक करके रिलीज हो जाएगी। इसको हमारी भाषा में ट्रिगर फिंगर कहते हैं, मतलब आपकी जो उंगली है वो टक करके, जैसे आप पिस्टल का ट्रिगर दबाते हो उस तरह से वो रिलीज होती है, उसके साथ एक छोटी आवाज भी आती है, इसको हमारी भाषा में ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये A1 पुली जो इस लेवल पे होता है, जो आपकी जो निशान होता है उंगली में, जो निशान होते हैं हथेली में जो निशान होता है, उस लेवल पे A1 पुली पाया जाता है, और इसके कारण जो फ्लेक्सर टेंडन होती है वो दब जाती है, और आपके हाथ का जो ये मूवमेंट स्मूथ होना चाहिए ये मूवमेंट स्मूथ नहीं होता है, वो फंस जाता है और वो हाथ सीधे करने में सक्षम आप नहीं हो पाते। अब क्या होता है इसमें, दो या तीन चीजें आप देख पाओगे। एक तो आपके हाथ जब आप उंगलियां सीधी करोगे या अंगूठा सीधी करोगे तो आपको अंगूठा या उंगली सीधी करने में तकलीफ हो सकती है, पहली चीज, दर्द हो सकता है, और दूसरा हमें कई बार एक नोड्यूल सा फील होता है। यहाँ पर आप कई बार महसूस करेंगे कि आपके उंगली के बेस पे, उंगली के जस्ट नीचे आपको एक नोड्यूल जैसा, एक टाइट स्ट्रक्चर जैसा महसूस होगा, जो एक उभार जैसा होगा, और ये कड़क होता है, और जब इस पर दबाते हैं तो इसमें दर्द हो सकता है, और ये एक ट्रिगर थंब या तो ट्रिगर फिंगर का एक डायग्नोस्टिक फीचर हम लोग मानते हैं। यूजुअली हम हल्की कसरत आपको एडवाइस कर सकते हैं, मूवमेंट करने की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये मूवमेंट करने की एक्सरसाइज आप धीरे धीरे कर सकते हैं तो ट्रिगरिंग धीरे धीरे आपकी बेहतर हो सकती है। सूजन और दर्द कम करने की दवाइयाँ आपको लिमिटेड उस पर दे सकते हैं, कुछ ऑइंटमेंट जेल वगैरह आप लगा सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो हाथों को सीधा करने की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें हम अंगूठे को सीधा करेंगे और हाथ की उंगलियों को सीधा करेंगे, वो इसके साथ साथ ही जो सॉफ्ट बॉल वाली प्रेस करने वाली एक्सरसाइज होती हैं और ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं वो भी आपको इस बीमारी में हेल्प करेंगी। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी तकलीफ परसिस्टेंट रहती है तो इसका एक बहुत ही छोटा सा सर्जरी होता है जिसको हम ट्रिगर थंब या तो ट्रिगर फिंगर रिलीज बोलते हैं। ये एक लोकल में किया जाने वाला सर्जरी है, सर्जिकल ड्यूरेशन 5 मिनट का रहता है, जिसमें हम एक छोटा सा इंसीजन देके जो A1 पूरी टाइट हो जाता है उसको हम एक छोटा सा इंसीजन देके रिलीज कर देते हैं, जिसके आपके कारण जो आपकी टेंडन होती है, आपकी स्नायु होती है, वापस से अपना पूरा का पूरा मूवमेंट करने लग जाती है। इसमें एक या दो टाँके आते हैं और उसके बाद हम करीबन 10 से 15 दिन में टाँके निकाल देते हैं और आपका वापस पूरा का पूरा मूवमेंट रेस्टोर हो सकता है। ये बीमारी कुछ उन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है जिनको एंडोक्राइन तरह की तकलीफ, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड या और कुछ एंडोक्राइन तकलीफ होती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब हुआ है और आप किसी भी और तरह की जानकारी करने आते हैं तो हम आपको मदद करने में बहुत बहुत खुश होंगे, और हम ये अगर आपको कोई भी तकलीफ से संबंधित है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।